हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम को लेकर के जो कंफ्यूजन आपके मन में बरकरार है, आज उसी को लेकर के एक और वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट इस बात को भी लेकर आ रहे हैं कि पूरा ही एक वीडियो बना दीजिए जिसमें जीएसटी के सारी चीजें आपने बताई हो। तो जीएसटी इनेबल करना मैं पहले ही बता चुका हूँ, एंड स्क्रीन नोटेशन में मैं ऊपर दे दूंगा, ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल पर जाकर के टैली प्राइम हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, वहां टैली प्राइम प्लेलिस्ट में हमने टैली प्राइम नाम का एक प्लेलिस्ट बनाया है, वहां पर जाकर के आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो एमआरपी ऑप्शन को एक्टिवेट करने को लेकर के है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पुरानी कंपनी है रामा एंटरप्राइजेस, इसको क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज करने के लिए कहा जाना है आपको, कंपनी पर जाना है और यहां से आ जाना है शट कंपनी पर। जैसे शट कंपनी पर जाएंगे तो यहां पर ये हो जाएगी क्लोज, एंटर प्रेस करिएगा तो, ठीक है। अब आदि एंड सन्स हमारे पास एक ही कंपनी है, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, वाउचर एंट्री पास करनी है, ठीक है। देखिए मैं आपको पहले ही दिखा देता हूं कि कौन कौन से स्टॉक आइटम हमने बना रखे हैं पहले से इसमें, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, इन स्टॉक आइटम्स के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए यहां पर कीबोर्ड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, जावा बुक और ये सब जो है स्टॉक आइटम हम पहले ही बना चुके हैं। बाहर आता हूं, यहां पर हमें क्या करना है, सीधा सीधा चलना है, वी प्रेस करना है, वाउचर्स में आ जाना है। यहां पर कोई सप्लायर का इनवॉइस नंबर हम डाल देते हैं, एंटर प्रेस करता हूं। जो भी डेट पे खरीदारी हो रही हो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डेट चेंज कर देते हैं, F2 प्रेस करता हूं, यहां पर लिखता हूं 1/9/2020, यानी 1/9/2020 को ये खरीदारी हो रही है, ठीक है। अब यहां पर 1 सितंबर दिख रहा है आपको, लेकिन यहां पर 1 अप्रैल ही दिख रहा है, तो यहां पर 1/9/2020 यहां पर भी कर दीजिए आप, तो यहां पर भी 1 सितंबर आपको दिखने लगेगा, तो ये 1 सितंबर आ गया। अब लेजर्स हमने पहले से बना रखे हैं, ठीक है। जो भी लेजर्स हैं वो पहले से हमने क्रिएट कर रखे हैं। यहां पर परचेज अकाउंट में, परचेज वाउचर में क्रेडिटर पार्टी का लेजर आता है, तो हमने यहां पर रितेश सी, सी यानी क्रेडिटर साइन के लिए, आपके पहचान के लिए बना रखा है हमने रितेश सी, तो ये हमने लगा दिया इसमें लेजर। ये सारी डिटेल चाहे तो आप फिल कर सकते हैं, मैं फिलहाल ब्लैंक छोड़ता हूं इसको। यहां पर आएंगे एंटर प्रेस करते हुए, जीएसटीआईएन नंबर है तो डाल दीजिए, यहां पर आ जाइए। परचेज अकाउंट का लेजर अंडर परचेज के ग्रुप में बनता है, आपने अगर नहीं बनाया तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। एंटर प्रेस करता हूं, यहां पर लगा लेता हूं लेजर। हम एक नया स्टॉक आइटम बना रहे हैं जिसको हम नाम देंगे माउस, ठीक है। ये माउस नाम का स्टॉक आइटम हमने बनाया, एंटर प्रेस किया। यहां पर अगर आपने यूनिट नहीं बनाई होगी तो आपका कर्सर जो है नेक्स्ट कॉलम में जाने के बजाय डायरेक्टली प्राइस पे चला जाएगा, यानी यूनिट है ही नहीं, तो आपको यूनिट बनाना जरूरी है। अल्ट के साथ सी करके आप यूनिट बना लीजिए, चाहे आप किलोग्राम में सामान सेल करते हो, ठीक है, ML में सेल करते हो, ठीक है, आइटम सेल करते हो, पैक्स पैकेट जो भी हो आप कर लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ आइटम बना रखा है, मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ, जीएसटी अभी इसको नो ही रखते हैं, जीएसटी की तो कोई बात ही नहीं है, एप्लीकेबल भी कर देंगे तो आएगा नहीं। अब यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा सेट एमआरपी डिटेल्स। ये एमआरपी डिटेल्स आया कहां से है मैं वो भी दिखा देता हूं, ये एक्टिवेट कहां से करेंगे। बाहर आ जाता हूं, यहां से पहले स्टॉक आइटम क्रिएट करने जाएंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई सप्लायर का इनवॉइस नंबर दे दिया, एंटर प्रेस किया, और अब स्टॉक आइटम अगर आप क्रिएट करते हैं, यहां पर पहले लेजर लगा लेता हूं क्रेडिटर पार्टी का, एक क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा दिया हमने, एंटर प्रेस किया, यहां पर आ गए, एंटर प्रेस करते हुए यहां पर आएंगे, परचेज अकाउंट का लेजर लगाएंगे। अब यहां पर मान लीजिए कोई नया लेजर आप क्रिएट करने जाएंगे तो इसी वक्त आपको F12 की प्रेस करनी है, और यहां पर आपको मिल जाएगा प्रोवाइड एमआरपी डिटेल्स। कभी कभी इस तरह से आपका मतलब इतने सारे ऑप्शन आपके सिस्टम में नहीं शो करेंगे टैली प्राइम में, तो आपको करना क्या है, यहां से आपका ये होगा नो, ठीक है, तो इस तरह से ये शो करेगा। अगर नो रहेगा तो शो मोर कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉलम जो है, इस यहाँ पर आपने नो सेलेक्ट कर रखा होगा तो ये इस तरह से शो करेगा। आपको यहाँ पे वाई प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको शो होने लगेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है आपको, प्रोवाइड एमआरपी डिटेल्स, इसको वाई प्रेस करके यस कर देना है, ठीक है। जैसे ही यस प्रेस करेंगे तो ये एमआरपी ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर नया स्टॉक आइटम बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं SSD मैं ले रहा हूं, ये SSD, एंटर प्रेस किया, यहां पर आइटम रख देता हूं और एंटर प्रेस करके फिर यहां पर एमआरपी ऑप्शन को वाई प्रेस करके, ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है अलाउ एमआरपी मॉडिफिकेशन इन वाउचर, तो वाई प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कंसीडर एमआरपी फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी रेट इन स्लैब रेट, तो अगर आप
वहां यहाँ पर भी वाई प्रेस कर देते हो तो ये आ जाएगा। अब एमआरपी रेट देना कितना चाहते हैं, हम यहाँ पे दे रहे हैं 4400 यानी 4400 रुपए दे दिया हमने, एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया, तो ये हमारा एमआरपी रेट है। ठीक है, ये एमआरपी रेट यहाँ पर शो हो जाएगा। अब मान लीजिए 6 क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हो, ठीक है, और आपको पड़ रहा हो ये 3400 रुपए का, लेकिन एमआरपी कितनी है 4400 रुपए। ठीक है, डिस्काउंट भी इस पे लगाया है तो 0.1% का डिस्काउंट है, तो ये आपको इतने की पड़ जाएगी। ठीक है, अब एंटरप्रेस करते हुए इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी कि एमआरपी ऑप्शन कैसे एक्टिवेट होता है।